यहां पर जैसे इन सेंटेंसेस को अगर हम समझें तो ये जो हमने दे लिखा ये सब्जेक्ट है, ये दे सब्जेक्ट है, लाइव वर्ब है, ये लाइव वर्ब है। कॉन्फिडेंशली और देयर, मतलब देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर का रिप्लाई है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कॉन्फिडेंटली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ये कॉन्फिडेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, बताओ। दोनों सही है, हाँ, कि एक सही है कि कोई नहीं सही है, कि सब गलत है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, होता क्या है, ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं इनको हम लिखा रहने देते हैं, ठीक है, और मैं दो दूसरे सेंटेंसेस लिखता हूं फिर समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा थ्री, दे वर्कड देयर, दे वर्कड देयर कॉन्फिडेंटली। ठीक है, और फोर्थ हमने लिखा दे वॉक्ड कॉन्फिडेंटली देयर। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी हम इजिली समझ सकते हैं कि जो दे है ये सब्जेक्ट है, वर्कड वर्ब है, वर्कड वर्ब है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, ऐसे ही है। उन दोनों को छोड़ दीजिए और इन दोनों पे आ जाइए। हम इन चार एग्जांपल्स को ना दो के सेट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेट वन है, ठीक है, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो ये दो दो क्वेश्चंस के हमारे पास दो सेट हैं। अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं सेट बी के क्वेश्चंस का, बताओ भाई सभी लोग आंसर। दे वर्कड देयर कॉन्फिडेंटली, दे वर्कड कॉन्फिडेंटली देयर, इन दोनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स आफ्टर एडवर्ब ऑफ प्लेस, नहीं ऐसा नहीं है। देखो नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो एडवर्ब्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो जो कॉमन टाइप्स हैं एडवर्ब्स, जो पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब्स हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब, एक मिनट में लिख ही देता हूं। जैसे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, एंड पोजिशंस इन देयर सेंटेंस, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हो गए और उनकी पोजिशन सेंटेंस में क्या होती है, जो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ
फ्रीक्वेंसी, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स, ठीक है, फिर एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, ठीक है, फिर आगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, और आगे रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन एडवर्ब्स हो गए, ठीक है, ये टाइप हो गए। हाँ, अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीक से आपकी यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चा। अब इनकी अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, भाई इन एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, तो देखो एडवर्ब और मैनर प्लेस टाइम जो होते हैं ना, ये आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इफ देयर एनी इज, ठीक। एडवर्ब्स और मैनर जो होते हैं ना बच्चे हमारे, प्लेस होते हैं और टाइम होते हैं, ये तीनों एडवर्ब जो होते हैं इनको हम लिखते हैं वर्ब के बाद में, अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद में, ऐसे ही है ना, ठीक है। उसके बाद में एक एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम कहाँ यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को यूज करते हैं बिफोर द वर्ड्स दे मॉडिफाई, बिफोर द वर्ड्स दे मॉडिफाई, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को हम उन वर्ड से पहले लिखते हैं जिनको वो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, एनफ को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग एनफ, एनफ पर ये काम नहीं करता, क्यों, एनफ को हम, एनफ जब एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है तो उसका यूज हम उन वर्ड्स के बाद करते हैं जिनको वो डिस्क्राइब करता है, बाकी एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होते हैं वो उन वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिनको वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर आगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखे जाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनको लिखा जाता है बिफोर द मेन वर्ब, बिफोर द वर्ब, अगर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, तो एडवर्ब्स ऑफ जो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनकी पोजीशन ही होती है, फिर एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो लिखे जाते हैं आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट, आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इनको वर्ब के बाद में या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहां यूज किए जाते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ अ क्वेश्चन, एट द बिगनिंग ऑफ क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, तो उनकी पोजीशन जो होती है वो क्वेश्चंस की शुरुआत में होती है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का, ठीक है। फिर आगे हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ को अगर हम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए यूज करें तो वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, तो इनकी पोजीशन कहाँ होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस, ठीक है। तो ये जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, इनकी पोजीशन होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस, तो कमोबेश जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं उनकी ये पोजीशन होती है, जो हमारे पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब्स हैं उनकी ये पोजीशन होती है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो कॉमन वर्ड्स होते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछने में यूज किए जाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, होते वो सेम है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ जो होते हैं वही होते हैं, ठीक। तो उनकी पोजीशन एकदम फिक्स होती है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता है चाहे वो एडवर्ब हो चाहे वो डिटरमिनर हो या प्रोनाउन हो, वो क्वेश्चन की बिगिनिंग में आता है तो उसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। फिर जो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, जो WH फैमिली वर्ड कंजंक्शन का काम करते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, वो अपनी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज की बिगिनिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये डन हो गए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं, अगेन है, ठीक है, ट्वाइस है, थ्राइस है,
इस तरीके के जो एडवर्ब्स हैं, जो एक डेली है, एवरीडे है, मंथली है, वीकली है, इनकी पोजीशन जो होती है वो एडवर्ब, वो वर्ब और या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होती है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ना, उसकी पोजीशन पे लिखे जाते हैं, बस उससे पहले आते हैं। ही वुड गो देयर डेली लास्ट मंथ, ठीक है। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है वो साथ में लिखे जाते हैं। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पहले आता है, टाइम उसके बाद आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनकी पोजीशन होती है वर्ब से पहले, ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, यूजली है, रेयरली है, ये एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, इनकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले होती है। अगर मेन वर्ब के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज होते हैं, और अगर मेन वर्ब के साथ में दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होते हैं, जैसे एज है, सो है, टू है, क्वाइट है, एनफ है, ऑलमोस्ट है, तो इनमें जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, दिस है, दैट है, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, इनकी पोजिशन होती है उस वर्ड से पहले जिसको ये डिस्क्राइब करते हैं, एनफ को छोड़कर। एनफ उन वर्ड्स के बाद लिखा जाता है जिन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं, बाकी एडवर्ब ऑफ डिग्री की पोजिशन फिक्स है कि भाई उस वर्ड से पहले लिखा जाएंगे जिसे डिस्क्राइब करना है। फिर आगे एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस टाइम जो होते हैं ये वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें समझना ये है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस टाइम है ये वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। तो मान लो अगर एक ही ऑब्जेक्ट लिखा जाए, कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, टाइम, तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वर्ब के बाद में तीनों लिख दे जाए, प्लेस, मैनर, टाइम, तो फिर आप उनको कैसे लिखोगे? तो ये जो मैनर प्लेस टाइम होते हैं ना, अगर कभी किसी वर्ब के साथ में तीनों ही लिख दे जाए, मान लो कोई ऐसी वर्ब है कि हम उसके लिए एडवर्ब ऑफ मैनर भी यूज कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी यूज कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इन तीनों को किस सीक्वेंस में लिखेंगे? तो उसके लिए होता है मैनर प्लेस टाइम, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इसको कई बार बोलचाल में कह देते हैं एमपीटी, एम पी और टी, तो ये इनका सीक्वेंस होता है मैनर प्लेस और टाइम, ठीक है, मैनर प्लेस टाइम एमपीटी, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी जो मैनर प्लेस टाइम है इसमें भी आप समझ लीजिए, जो मैनर है भाई, एडवर्ब में वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, तो जो कोई भी वर्ब है, कोई भी एक्शन है, उसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट होता है वो उसका तरीका होता है, ठीक है, मैनर होता है। कोई पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाता है वो ज्यादा मतलब एक्शन से रिलेटेड एट्रीब्यूट है। फिर कहाँ पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, टाइम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, प्लेस उसके मुकाबले ज्यादा कॉन्क्रीट होता है। प्लेस को हम कहीं ना कहीं पे लेफ्ट, राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो प्लेस है ना वो हमारे लिए ज्यादा एक क्या कहें उसको, जल्दी रियलाइज किए जाने वाला एट्रीब्यूट होता है, टाइम एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो हम उसको लास्ट में मेंशन करते हैं। तो मैनर जो होता है वो मोस्ट बेसिक एट्रीब्यूट होता है एक्शंस का, तो इसीलिए उसको पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद में प्लेस आ जाता है, फिर उसके बाद में टाइम आ जाता है। तो हम उनको इस सीक्वेंस में लिख देते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। चलो अब ये जो दोनों, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी सबको, अपना ध्यान रह जाएंगी, आ जाओ वापस। अब ये जो दो हमने क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि पहले हमें यही क्वेश्चन डिस्कस करना है, 3 और 4, दे वर्कड देयर कॉन्फिडेंटली, तो हम देख रहे हैं यहां पर हमने वर्ब के साथ में क्या किया, पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लिख दिया, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर लिख दिया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मैनर प्लेस टाइम के हिसाब से ये प्लेस जो है वो मैनर के बाद आना चाहिए। तो हम इस देयर को यहां से उठाएंगे और यहां लिख देंगे ऐसे, तो हम लिखेंगे दे वर्कड कॉन्फिडेंटली देयर, ये सही हो गया, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, दे वर्कड कॉन्फिडेंटली देयर, अब हम देखें तो ये तो सही लिखा हुआ है कि भाई हमने लिखा दे वर्कड कॉन्फिडेंटली देयर, तो ये लग रहा है कि सही लिखा हुआ है, पहले मैनर आ गया कॉन्फिडेंटली, फिर देयर आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन अब एक यहां पे हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, कि जो हमारे मतलब जो हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किसी मूवमेंट को या किसी पोजीशन को, मतलब मोशन या पोजीशन को शो करने वाली वर्ब्स होती हैं, उनका जो मोस्ट बेसिक एट्रीब्यूट होता है वो उनका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, मैनर नहीं होता, ठीक है। मूवमेंट हो रही है, कोई चीज पोजीशन है, तो वो कहाँ पे पोजीशन है, मूवमेंट कहाँ पर है, वो उसका बेसिक एट्रीब्यूट है,
बाकी बाद में आ जाते हैं, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, प्लेस को पहले लिखते हैं। टाइम तो लास्ट में रहेगा लेकिन प्लेस मैनर से पहले आ जाता है। किन वर्ब्स के साथ में, जो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट हो, वर्ब ऑफ मोशन, वर्ब ऑफ पोजिशन। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं ऐसी वर्ब्स के, ध्यान रखेंगे सभी लोग। देखो, सिट है, सिट है, स्टैंड है, ठीक है, लाई है, रन है, स्विम है, अराइव है, रीच है, गो है, कम है, मूव है, वॉक है, ठीक है, वॉक है, क्रॉल है, क्रॉल का मतलब रेंगना, ठीक है, और पोजीशन में जैसे लाई हो गई, सिट हो गई, स्टैंड हो गई, ठीक है, फॉल है, फॉल भी मोशन है, गिरना मूवमेंट है, ठीक, जंप है, फ्लाई है, कुल मिला के बात आप समझ गए होंगे, एटसेट्रा। तो ऐसी वर्ब्स जो कि मोशन या पोजीशन को शो करती हैं, उनके साथ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को पहले, मैनर को बाद में, और टाइम को लास्ट में। टाइम तो वैसे भी सबके साथ में लास्ट में लिखते हैं, तो उनके साथ सीक्वेंस ये रहता है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये जो वॉक है, ये तो हमारी वर्ब ऑफ मूवमेंट है, वॉक करना मतलब चलना, तो ये तो मूवमेंट हो गया, मोशन हो गया। तो ऐसी वर्ब्स जो मूवमेंट या मोशन शो करती हैं, उनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आता है और मैनर बाद में आता है। तो कुल मिला के हमें समझना ये है कि यहाँ पे जो देयर हमने कॉन्फिडेंटली के बाद में लिखा है, वो यहां पर देयर हमें पहले लाके लिखना पड़ा। तो दे वर्कड कॉन्फिडेंटली देयर, यहां लिखना है, दे वर्कड देयर कॉन्फिडेंटली, यहां लिखना है। तो ये दोनों सही हो गए, तो ये दोनों ही गलत थे, दोनों को ही हमने सही कर दिया। यहां पे देयर को कॉन्फिडेंटली के बाद लिखे, यहां पर कॉन्फिडेंटली को देयर के बाद लिखे, सही हो गया। अब ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं अभी इतनी देर में, ठीक है, 10-15 मिनट में, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आ जाइए कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हमने लिखे हैं ए सेट में, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, इनका करेक्शन कीजिए। बताओ इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, इन दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत, अब बताइए। सेट ए में जो हमने क्वेश्चन वन लिखा है और क्वेश्चन टू लिखा है, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, सभी लोग आंसर बताओ। कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी बताइए। बताओ भाई, कुछ तो समझ में आया होगा, जो समझ में आया उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर बता दो। तो आसान क्वेश्चन है कि नींद आने लग गई आज लेट क्लास है, तो अब देखो पता है क्या, ये जो हमने देयर लिखा है ना कॉन्फिडेंटली से पहले, ठीक है, ये सही है, और यहां पे जो हमने कॉन्फिडेंटली वो देयर से पहले लिखा, ये भी सही है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही और ये भी सही। अब सोचो ऐसा कैसे, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों सही हो जाए, तो पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइव वर्ब के दो मीनिंग होते हैं इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है और इसका मतलब पड़ा हुआ होना भी होता है, ठीक है। तो जब हम लाई को लिखते हैं, लाई, ले और लेन, और जब हम लाई को लिखते हैं, लाई, लाइड और लाइड,
तो इनमें क्या होता है कि ये जो लाई है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ले और लेन है, और ये जो लाई है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइड लाइड है, ये दोनों अलग अलग है। ये वर्ब ऑफ स्पीच है। लाई का मतलब बोलना, झूठ बोलना होता है ना, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है ना, तो ये वर्ब ऑफ स्पीच है। ये जो लाई है जिसका मतलब जिसके सेकंड थर्ड फॉर्म ले लेन होते हैं, इसका मतलब होता है पड़ा हुआ होना, ये वर्ब ऑफ पोजिशन है। ठीक है, तो है क्या कि अगर हम लाई को मान लें वर्ब ऑफ स्पीच, लाई का मतलब झूठ बोलना, तो अगर हम लाई का मतलब झूठ बोलना मान लें तो एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा। लेकिन अगर हम लाई का मतलब मान लें पड़ा हुआ होना, वर्ब ऑफ पोजिशन मान लें, ठीक है, तो पहले प्लेस आएगा फिर मैनर आएगा। तो दोनों ही सही है, बस लाई के मीनिंग अलग अलग मानने पड़ेंगे। अगर यहां पे आप लाई का मतलब मान लो लेटा हुआ होना तो ये गलत है, अगर लाई का मतलब यहां पे मान लो झूठ बोलना तो वो गलत है। तो कहने का मतलब वैसे तो दोनों ही गलत है और वैसे दोनों ही सही है। तो ये दोनों ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि लाई वर्ब का मीनिंग क्या ले रहे हो। अगर लाई का मतलब आप मीनिंग ले रहे हो झूठ बोलना, ठीक है, तो पहले वाला गलत है। अगर लाई का मतलब आप ले रहे हो पड़ा हुआ होना तो ये वाला गलत है। और यहां पे लाई का मतलब झूठ बोलना मान लो, यहां पे लाई का मतलब पड़ा हुआ होना मान लो, तो वो दोनों सही है। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा लगा? सही है। अब ये जो लाई हमने लिखी है, अब इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ले और ले लाइड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब मान लो यहां पे मैं लिख दूं ले और लाइड, हमने लिख दें यहां पर दे ले ले कॉन्फिडेंटली देयर। ठीक है, दूसरा हम लिख दें दे लाइड देयर कॉन्फिडेंटली। अब बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। ठीक है, ये जो दे हमने लिखा ये सब्जेक्ट है, ये ले जो है हमारी वर्ब है, लाइड वर्ब है, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बताओ आंसर। वैसे तो ये जो लाइड है ये हमारी वर्ब ऑफ स्पीच ही होती है। लाई लाइड जैसे आपने लिखा तो पता चल गया कि अब तो इसका मतलब झूठ बोल रही है। ठीक है, तो ये वर्ब ऑफ स्पीच है, वर्ब ऑफ मोशन या वर्ब ऑफ मूवमेंट नहीं है। तो ना ये वर्ब ऑफ मोशन है ना ये वर्ब ऑफ पोजिशन है। तो इसके साथ में हम प्लेस को नहीं मैनर को पहले लिखेंगे। तो अगर हम इसके साथ मैनर को पहले लिखेंगे, ठीक है, तो ये देयर आपका गलत है, ये बाद में भेज दो। ठीक है, ये वर्ब ऑफ स्पीच है। अच्छा, अब ये जो ले हमने लिखा है इसको आपको एक चीज समझनी चाहिए, क्या ये जो वर्ब होती है लाई जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है ले और जिसकी थर्ड फॉर्म होती है लेन, फिर एक वर्ब होती है ले उसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। ठीक, अब यहां पे देखो ये जो लेड है और ये जो ले है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है कि ये जो ले है ये पोजिशन की वर्ब है, लाई ले लेन, तो ये वर्ब ऑफ पोजिशन है। ठीक है, ये जो ले है ये वर्ब ऑफ एक्शन है, डूइंग है। ठीक, तो अब ले दो होते हैं, दो ले होते हैं, एक होता है फर्स्ट फॉर्म एल ए वाई जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लेड लेड होती है। ठीक है, एक होता है एल ए वाई लाई की सेकंड फॉर्म ले जिसका मतलब पड़ा हुआ होना होता है। अब इस ले को हम कौन सा ले माने, ये जो हमने लिखा दे ले कॉन्फिडेंटली देयर, इस ले को मतलब हम ये वाला माने या ये वाला माने, कौन सा वाला माने?
अगर हम इस ले, मान ले ये वाला ले लिखा हुआ है, मान लो इसे हम कहते हैं ये ले वन है, ठीक है, और इसे कहते हैं ले टू है। अगर हम मान लें ये ले वन है तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम ले वन इसे मान लेंगे तो ये लाई के सेकेंड फॉर्म है, तो अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो ये आपका पोजिशन की वर्ब है, पोजिशन की वर्ब है तो प्लेस पहले आ जाएगा। लेकिन अगर हम मान लें कि नहीं ये तो वो वाला ले है जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेड होती हैं, तो वो तो वर्ब ऑफ एक्शन होता है, तो अगर वो वर्ब ऑफ एक्शन है, वर्ब ऑफ पोजिशन नहीं है, तो फिर उसके बाद मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, तो ये सही लिखा हुआ है। तो अगर हम इस ले को ये वाला ले मान लें तो ये सही लिखा हुआ है, अगर हम उस ले को ये वाला ले मान लें तो वो गलत लिखा हुआ है। अब बताओ इसे कौन सा वाला ले माने। बताओ भाइयों, इस ले को हम कौन से वाला ले माने। इस ले को हम कौन से वाला ले माने, सभी लोग बताओ। इसको हम ये वाला ले मान नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी। मतलब मैंने ये चीजें केवल आपको इसलिए बताई कि आपको सोचने का एक तरीका मिले, एक चीजों को मतलब देखने का नजरिया मिले, बाकी ये वाला जो ले है ना हम इसे मान नहीं सकते, ठीक है। वो जो ले हमने लिखा वो ले वन है, वो एक्शन वाला ले नहीं है, वो पोजिशन वाला ले है। क्या वजह है तो मैं बताता हूँ उसकी वजह भी आपको। अभी देखो ये जो ले हमने लिखा ना, ये ले जो लाई की सेकेंड फॉर्म होती है, जो वर्ब ऑफ पोजिशन होती है वही है, ये वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है। वजह ये है, ये जो ले है ना बच्चे, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आती नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो ले हम लिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म वाला, ठीक है, ये जो ले होता है ये आपका क्या नाम वर्ब ऑफ एक्शन ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर आप इसे कभी भी लिखोगे ना तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एवर ट्रांसिटिव वर्ब है, ले का मतलब किसी चीज को कहीं पर रखना, पुट करना, बात समझ में आ रही है। तो वो जो ले होता तो वो भी ले है, लेकिन हम उसको ये नहीं मान सकते कि ये वाला जो ले है ये वाला ले है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसिटिव होता है, उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। He laid the books on the table, laid there, laid there, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये जो ले हमने लिखा है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो ये वाला ले नहीं हो सकता, यही वाला हो सकता है, क्योंकि ये वाला इंट्रांसिटिव होता है। लाइव वर्ब इंट्रांसिटिव होती है ना, तो उसके सेकेंड फॉर्म भी इंट्रांसिटिव हो जाएगी। तो ये जो हमने ले लिखा है वो लाई की जो सेकंड फॉर्म वाला ले होता है वो वाला है, तो अगर वो वाला है तो वो तो वर्ब ऑफ पोजिशन है, अगर वो वर्ब ऑफ पोजिशन है तो उसके बाद तो पहले प्लेस आना चाहिए फिर मैनर आना चाहिए, तो ये होटल। अच्छा कॉन्सेप्ट, अब इसको आप बच्चों के साथ डिस्कस करो, डेमो क्लास में डिस्कस करो। मैंने तो तब भी इसको 30-35 मिनट में डिस्कस किया, आप इसको थोड़ा कम में डिस्कस करो। लेकिन इससे ना जो हमारे ओरिजिनल लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो जाएगी, और उनको आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, मतलब दिक्कत बता रहा हूँ, उनको आसानी हो जाएगी, वो ये समझ पाएंगे कि देखो हमें सर पढ़ाते हैं तो उनका तरीका इतना अच्छा है कि वो इतना डेप्थ से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और इतना अच्छा याद रख लेते हैं, सारे पॉइंट्स उनको याद रहते हैं, और जरूरत पड़ने पर किसी भी चीज़ का कहीं पर भी यूज़ कर पाते हैं। तो इसको सीखिए, आने वाली किसी क्लास में मैं आपके साथ में कभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे एक सीरीज रख लूंगा। मतलब एक्चुअली आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, बट अदर्स फाइंड देम वेरी कंफ्यूजिंग, एंड आई वुड यूज दीज क्वेश्चंस, आई वुड टीच दीज क्वेश्चंस इन माय डेमो क्लासेस इन ऑफलाइन बैचेस, बट इन ऑनलाइन बैचेस यू कैन नॉट टीच, बिकॉज Someone has to be there to whom you can ask questions and who can respond to your teaching. तो पढ़ाना उनको थोड़ा अच्छा लगता है, ऑफलाइन में बच्चे बैठे होते हैं ना सामने तो पढ़ाना अच्छा लगता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि ठीक है आप लोग तो बहुत सीरियस पर्सन हो, अच्छा पढ़ते हो, लेकिन फिर भी एक वो दूरी रहती है, जो एक कनेक्ट चाहिए होता है ना कोई बात सिखाने या समझाने के लिए किसी को, वो ऑनलाइन में लैक करते हैं हम लोग, ठीक है।
फिर भी हम बड़ा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की भी बड़ी अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक जो कनेक्ट चाहिए होता है कि हमको एक चीज, हमारे दिमाग में एक आइडिया है, हमारे दिमाग में पीस ऑफ नॉलेज है, हमारे दिमाग में एक जानकारी है, और हम चाहते हैं वो हम दूसरे के साथ शेयर करें, तो उसके लिए ना कनेक्ट चाहिए होता है, जिसके बीच में कोई मीडियम, मतलब जिसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को मतलब अपना लिस्ट वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, उनको ऑफलाइन बैचेज में डेमो क्लासेस में बच्चों के साथ यूज़ करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले, समझ के सीखने वाले बच्चे होते हैं, उनको तुरंत ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये सर ठीक पढ़ा लेंगे, समझा लेंगे, क्योंकि इनको अप्रोच है लैंग्वेज को डील करने की। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था मुझे लगता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका आप आगे अपना यूज़ कर सकते हो, पढ़ाने में इसको यूज़ कीजिए बच्चों के साथ में। अब देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, है ना, हमने शुरुआत यहाँ से की थी, ये दो क्वेश्चंस लिखे थे, फिर इन दो क्वेश्चन से हम इन दो क्वेश्चंस पर आए, ठीक है, फिर इन दोनों क्वेश्चन से हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पर आए, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिविजन हो गए एक साथ, हमने कितनी चीज़ें समझ ली। अब मैंने तो, चलो तुम लोग तो होशियार हो, सभी लोग पहले से ही जानते हो, तो मैंने केवल सामने लिख दिया कि मैनर प्लेस टाइम आफ्टर द वर्ब या आफ्टर द ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई यूज होते हैं, एक्सक्लूडिंग एनफ। आप चाहो तो ये जो हमने इस स्लाइड पे लिखा है आप इसको समझाओ, इसको समझाने में 15-20 मिनट आराम से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हम वहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गए, फिर यहाँ से हमने ये वर्ब ऑफ पोजिशन, वर्ब ऑफ मूवमेंट डिस्कस की, फिर हमने लाई का डिफरेंस समझा कि भाई लाई वर्ब के तो दो मीनिंग होते हैं, ठीक है, फिर हमने उनको यहाँ पे अप्लाई करा, फिर ये हमें समझ में आया, वो समझ में आ गया, तो फिर हम यहाँ आ गए, फिर हमने ये ले भी समझ लिया। तो आप देख रहे हो एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है उसको आप इतना डिटेल में, इतना मतलब बारीकी के साथ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक क्लास लेके पूरा समझाइए, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में वो एडवर्ब की पोजीशन वाला है वहाँ पे हमने एग्जांपल नहीं डिस्कस किया, आप चाहो तो एक एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने तो केवल थ्योरी टाइप आपको बता दिया। तो ये एक क्लास का कंटेंट है, आप एक क्लास में पढ़ाइए, फिर उसके बाद में बच्चों को फीडबैक देखिए कि कैंडिडेट्स का फीडबैक क्या आपके लिए। एंड आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस, मैं जब से पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके अपना लिख लिया करता था अलग से, ठीक है। तो आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस एंड इन द कमिंग क्लासेस आई विल डिस्कस सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स विद यू। तो वो आपको बहुत फायदा करते हैं, टीचिंग में बहुत फायदा करते हैं, ठीक है। एक बच्चों में आपको लेकर फेथ आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो समझ पाते हैं कि हाँ सर की अप्रोच क्लियर है, ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ाने का, पढ़ने का ढंग है, तो हेल्प मिलती है। चलिए तो आज एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट तो छोटा ही था लेकिन हमने पढ़ने में इसको टाइम बहुत दे लिया, अब 11 बज गए सुबह, मुझे भी जल्दी उठना है, आपको भी जल्दी उठना ही होगा, ठीक, अगर क्लास वगैरह होती है, मेरा तो वैसे सैटरडे ऑफ रहता है, क्लास नहीं लेता, लेकिन ऐसे ही जल्दी जगना है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपके नहीं चाहता तो छुट्टी हो जाए, लेकिन कोई टेक्निकल समस्या चल रही थी जिस कारण से क्लास 9 बजे नहीं हो पाई, 9 बजे हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन चलो आप सबसे मिलना जुलना हो गया, कुछ हमने डिस्कशन कर लिया अच्छा, एंड आई होप इससे आपको बड़ी क्लैरिटी आई होगी, बहुत सी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही, पर अगली क्लास में मिलेंगे तब फिर कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए खूब एंजॉय करो, कोई भी छोटी मोटी डाउट क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट किया करो, आप सबके नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, एलीट बैच के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबके नंबर मेरे फ़ोन में सेव होते हैं, ठीक है, आपके पास भी मेरा नंबर शायद पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं।